बाबर तो घंटे का फर्जी किंग है, उसका रिकॉर्ड तो मुझसे भी गंदा। पाकिस्तानी खिलाड़ी ने अपने ही कप्तान बाबर आजम को सरेआम धो डाला। पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेटर अहमद शहजाद ने इन दिनों टीम के कप्तान बाबर आजम की कड़ी आलोचना की है। पाकिस्तान T20 वर्ल्ड कप 2024 से लगभग बाहर हो चुका है और इसी बीच शहजाद ने पाकिस्तानी टॉक शो हरना मन है में बाबर पर एक बार फिर हमला बोला। इस बार शो में शहजाद और बाबर के T20 वर्ल्ड कप के आंकड़ों की तुलना की गई, जिसमें शहजाद का प्रदर्शन बेहतर रहा। शहजाद ने बाबर को नकली राजा कहा और यह भी आरोप लगाया कि बाबर युवा खिलाड़ियों की टीम में जगह दिलाने के लिए अपने दोस्तों को रुकने की इजाज़त नहीं देते हैं। अहमद शहजाद ने बाबर को कड़ी फटकार लगाई। पाकिस्तान टीम के मौजूदा कप्तान बाबर आजम ने अब तक 22 T20 वर्ल्ड कप मैचों में 517 रन बनाए हैं, लेकिन उनका स्ट्राइक रेट सिर्फ 112 है। वहीं शहजाद ने महज 9 मैचों में 126 के स्ट्राइक रेट से 250 रन बनाए हैं, उन्होंने एक शतक भी लगाया है। शहजाद ने गुस्से में कहा, मुझे लगता है कि मैं इस आंकड़े से बेहतर कर सकता था, लेकिन आपके बाबर के आंकड़े मुझसे भी ख़राब हैं। शहजाद ने यह भी कहा, T20 वर्ल्ड कप में आपने पावर प्ले में 205 गेंदों का सामना किया, लेकिन अपने एक भी छक्का नहीं लगाया। उन्होंने आगे आलोचना करते हुए कहा, आपने घरेलू क्रिकेट की पूरी व्यवस्था को बर्बाद कर दिया है। आपने अपने दोस्तों को टीम में लाने के लिए घरेलू क्रिकेट में अच्छा प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों की जगह छीन ली। खास तौर पर शहजाद ने 22 साल के बल्लेबाज सैम अयूब का करियर बर्बाद करने के लिए बाबर को जिम्मेदार ठहराया। शहजाद ने कहा, सईम अयूब को आगे ले जाना आपकी जिम्मेदारी थी, लेकिन अब इतनी कम उम्र में उनका करियर ख़त्म हो गया है। सिर्फ 25 मैच खेलने के बाद लोग सैम की आलोचना कर रहे हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि पाकिस्तान के लिए आयरलैंड के खिलाफ अगला मैच जीतना ज़रूरी है। वहीं अगर अमेरिका आयरलैंड के खिलाफ ग्रुप स्टेज का आखिरी मैच जीत जाता है तो पाकिस्तान का खेल ख़त्म हो जाएगा। वे भारतीय सुपर 8 के लिए क्वालिफाई करने के लिए आयरलैंड को नहीं हरा पाएंगी, क्योंकि अमेरिका के पास फिर से उनके अधिक अंक होंगे। अहमद शहजाद का T20 करियर। 32 वर्षीय अहमद शहजाद ने पाकिस्तान के लिए 13 टेस्ट, 81 वनडे और 59 T20 मैच खेले हैं। उनके नाम टेस्ट में 982 रन, वनडे में 2605 रन और T20I में 1471 रन हैं। दोस्तों, वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो मिलते हैं फिर से एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।